हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टू बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से शुरू कर रही हूँ मैं चैनल पे फेस्टिव सीरीज। और बहुत टाइम के बाद गाइस, लगता है मुझे 1 ईयर के बाद ये सीरीज चल रहा है चैनल पे। लॉकडाउन की वजह से ये हो नहीं पा रही थी, बट मैंने सोचा कि बहुत अच्छी अच्छी फेस्टिव कुर्तीज मेरे पास आई हैं, तो क्यों ना मैं सीरीज स्टार्ट कर दूँ। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ भी कुर्तीज आपको पसंद आती है तो आप उसे जल्दी ही खरीद सकते हो, क्योंकि कुर्ती बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है और जब पहनना होता है तब आपको मिल नहीं पाती है। सो ये सीरीज पार्ट 1 है। आज मैं फेस्टिवल स्पेशल कुर्तीज दिखाऊंगी जो बजट के अंदर है, लाइक 1000 रुपीज के अंदर ही ये कुर्ती सेट मुझे रिसीव हुई है। सारे कुर्ती सेट्स मीशो से है, एंड आई नो गाइस मीशो आपको कितना ज्यादा पसंद है। सो मीशो लिंक प्रोवाइड नहीं करती है गाइस, मीशो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट कोड। सो जितने भी कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हील्स, ज्वेलरीज, जो भी मैंने पहना है, जैसे भी मैंने स्टाइल करा है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल में मेंशन कर रही हूँ। और नाउ विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो फर्स्ट कुर्ती सेट से मैं स्टार्ट करती हूँ। जो पहला कुर्ता सेट है वो है ये ग्रीन कलर का, बॉटल ग्रीन कलर में है। ये कुर्ती आती है इसके साथ, एंड इसके साथ ये दुपट्टा आता है, तो 2 पीस सेट है ये। गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ये पूरी कुर्ती पे जो है वो वर्क करा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके की पूरी वर्क वाली कुर्ती है, एंड पूरी प्रिंटेड है, लाइक फॉइल प्रिंट बने हुए हैं फ्रंट पे एंड बैक दोनों पे। बस इसका नेकलाइन थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये ब्लू कलर में थ्रेड वर्क करा हुआ है। पहना हुआ बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है। इसमें मेरा साइज लार्ज है। सो घेर आप देख रहे हो गाइस, घेर भी काफी अच्छी है, और नीचे को यहाँ पे आपको प्रिंट्स भी मिल रही है सेम ब्लू कलर में। तो कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना तो ब्लू ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। फ्लेयर भी काफी अच्छी है, पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। एंड जो दुपट्टा है वो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का है। दुपट्टे पे भी आपको सेम ब्लू एंड ग्रीन और ये गोल्डन प्रिंट्स मिल रही है। कुछ इस तरीके से इसका दुपट्टा है, चौड़ाई आप देख सकते हो काफी है, लंबाई भी बहुत अच्छी है। इसका प्राइस है ओनली 975 रुपीज। सो ओवरऑल ये मुझे कुर्ती सेट बहुत ज्यादा पसंद आई, कलर इसका बहुत खिलकर आ रहा है। तो ग्रीन वाले के साथ मैंने ये पलाजो वेयर करा है जो इंडिया ब्रांड से है, और कुछ इस तरीके से दिखती है गाइस। बहुत ही अच्छी प्लाजो है ये, आपको पॉकेट स्पेस पे मिल रहे हैं, एंड नीचे को इस तरीके से डिजाइन बने हुए। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। इस तरीके के पीसेस जो होते हैं ना मस्ट हैव होते हैं, लाइक अगर आपको ऐसी 2 पीसेस कुर्तीज मिल रही है तो ऐसे गोल्डन प्लाजो या ट्राउजर आपके पास होना ही चाहिए, जैसे आप इजीली स्टाइल कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। नेक्स्ट जो कुर्ती सेट है वो भी 2 पीस सेट है, कुर्ती एंड दुपट्टा इसमें मिल रहा है आपको। सो कुर्ती पे आपको फॉइल प्रिंट्स ही मिल रही है गाइस, कुछ इस तरीके से पूरी फॉइल प्रिंट्स है। यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं क्लोथ के ही, स्लीव्स में फॉइल प्रिंट्स है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, एंड कुछ ऐसी लग रही है। देखने में कुर्ती बहुत प्यारी है, बट जब मैंने इसे पहना तो मुझे फ्रेंकली उतना पसंद नहीं आया। इसका प्राइस है 996 रुपीज, और 996 के हिसाब से मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे लाइक यहाँ से जो दिखता है ना, इसके बाद जो कुर्ती की फ्लेयर आती है वो इतनी आनी चाहिए कि अनारकली लुक लगे, थोड़ी सी अच्छी लगे, बट इसकी जो फ्लेयर है ना यहाँ से ये बहुत कम है, लाइक एकदम मैक्सी एलाइन काइंड ऑफ फ्लेयर है। अगर आपकी टमी या हिप है तो बहुत गंदी लगेगी आपने ये कुर्ती सेट। मैंने इस पर लार्ज साइज मंगाया है जो कि मुझे मीडियम आ जाता है, मीडियम भी मुझे थोड़ी लूजी होती है, बट ये इतनी गंदी टमी के पास लग रही है। इसकी फ्लेयर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कटिंग एकदम बेकार है इसकी। कलर मुझे इसका बहुत पसंद आया, लुक वाइज जो कॉम्बिनेशन दी हुई है ग्रीन एंड पिंक की बहुत अच्छी है। दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा ऑसम, बट अगर आप थोड़ी सी थिन हो, लाइक मुझसे पतली हो, ठीक है, स्मॉल साइज अगर आप पहनते हो तो एक साइज अप लेना, पतली लड़कियों में ये बहुत अच्छी लगेगी, जिनकी टमी और बैक उनको तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है। इसका जो दुपट्टा है वो बहुत प्यारा है, कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है। दुपट्टे पे सिल्वर एंड गोल्ड का ये प्रिंट्स बना हुआ है, फॉइल प्रिंट्स है गाइस। तो फॉइल प्रिंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते, कुछ लोग बहुत डरते हैं फॉइल प्रिंट्स लेने में, बट अगर मैं बोलूंगी कि उसे हल्के हाथों से हल्के सरफ से धोगे तो वो बहुत लंबी टिकती है। लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की काफी अच्छी है।
अब आप मशीन में सब मिला कर वॉश कर दोगे तो ऑब्वियसली अच्छी खासी कपड़े भी खराब हो जाती है। ये सब जो कपड़े होते हैं उसे बहुत ही हल्के हाथों से धोना पड़ता है। बाय द वे आप सोच रहे हो ये कुर्ती मैंने कहाँ से ली है, तो ये भी मीशो से है। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका हॉल वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैंने रख लिया बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी, इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं किया। सो गाइज नेक्स्ट जो है वो एक कुर्ता है, सिंगल अनारकली कुर्ता। तो मैंडरिन कॉलर के साथ ये कुर्ती आ रही है और यहाँ पे आपको एक ऐसे बटन मिल रहा है, साइड में ऐसे डोरी मिल रही है। मटेरियल कॉटन है एंड ये गाइज बहुत ही बटर काइंड ऑफ कॉटन होता है ना, एकदम बटरी सॉफ्ट वाली वैसी कॉटन मटेरियल है। तो इसे मैं पहले बोल दूँ हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। इंडियन स्किन टोन में ये कलर बहुत ज़्यादा जाता है गाइज। एंड ये जो प्रिंट्स है पूरी ऑल ओवर कुर्ती में मिल रही है आपको, इसकी फ्लेयर जो है वो बहुत पसंद है। नीचे को आपको ये बॉर्डर मिल रहा है मरून कलर के, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पर मरून दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाला है। सो इसकी फ्लेयर मैं दिखा दूँ भाई, इसकी फ्लेयर काफ़ी है, लुक फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है एकदम, लाइक इतना ब्यूटीफुल कुर्ता है, पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इस पर दुपट्टा वेयर करो, झुमकी वेयर करो, पार्टी एप्रोप्रिएट भी बना सकते हो, कैजुअल भी रख सकते हो, दोनों तरीके से इस कुर्ते को स्टाइल कर सकते हो। सो इसका प्राइस 1143 रुपीज है। इस पर मेरा साइज लार्ज है, मुझे बहुत लूज हो रहा है, मुझे इस पर मीडियम लेना था। तो अगर आप मीडियम पहनते हो तो मीडियम पे ही जाओ, श्रिंक नहीं करेगी ये ज़्यादा, अगर करती भी है तो बहुत माइल्ड करेगी, क्योंकि जो मटेरियल है गाइज ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर ये कुर्ता पसंद आया, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस वेरी ब्यूटीफुल कुर्ती सेट गाइस, ये मुझे मतलब मिलते ही बहुत पसंद आई। बट इसका रेयन मटेरियल है, कॉटन मटेरियल नहीं है, ये नेकलाइन है, यहाँ पे आपको बटन्स मिल रही है, ये कपड़े का ही बटन बना हुआ है, फेक बटन्स है। एंड ये 3/4 स्लीव्स मिल रही है, पूरी अनारकली कुर्ती है, नीचे तक प्लेन है ये, और इसकी घेर आप देखो कुछ इतनी घेर है, ठीक है, घेर काफ़ी अच्छी है, पहनने पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बैक भी पूरी प्लेन है, साइज मेरा लार्ज है, पूरे दुपट्टा पे गोटा पट्टी वर्क करा हुआ है गाइस। सो ये जो जॉर्जेट मटेरियल का दुपट्टा है एंड आप देखो तो गोटा पट्टी बहुत ही नाइस फिनिशिंग वाला है, यहाँ पे आपको लेसेस मिल रही है इस कोने में, ठीक है। सो दुपट्टे की चौड़ाई कुछ इतनी है एंड लंबाई इतनी है। सो बहुत ज़्यादा लंबी तो दुपट्टा नहीं है बट कम भी नहीं है, पहनने पे ठीक लग रही है। मुझे मिली है 936 रुपीज में, बट इसके साथ प्लाजो भी आ रही है, प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगी। 3 पीस सेट आपको मिल रहा है और कुछ इस तरीके से, बस प्लेन ट्राउजर आपको नॉर्मल मिल रहा है, दोनों तरफ इलास्टिक है, काफी स्ट्रेचेबल है। इसको मैंने स्टाइल करा है बेल्ट के साथ एंड सिल्वर ज्वेलरीज के साथ। तो अगर आपको किसी दुपट्टे का लेंथ कम लग रहा है तो आप उस पर मेक श्योर कीजिए कि बेल्ट लगा लीजिए, एक तो बेल्ट बहुत स्टाइलिश भी लगती है, प्लस दुपट्टे का जो लेंथ है वो मैनेज हो जाता है। आपको कैसी लगी ये स्पेशली इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस ग्रे कलर की 3 पीस सेट। सो इसपे आपको ये जैकेट मिल रही है, अंदर को ये स्लीवलेस फ्रॉक कुर्ती मिल रही है एंड प्लाजो मिल रही है। सो मैंने पहले आपको दिखा दूँ इसकी जो अंदर की कुर्ती है, सो स्लीवलेस कुर्ती है, रेयन मटेरियल है एंड फॉल प्रिंट्स पे ऐसी प्रिंट्स बनी हुई है, अच्छी खासी हेयर है, बहुत कम मैं नहीं कहूँगी, और इसमें मेरा साइज लार्ज है। कलर इसका देखिए, कलर बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेशली मैंने इसको कलर के वजह से ही ली है। इसका प्राइस है 906 रुपीज और इसपे आपको मिल रही है ये जैकेट, जैकेट में जो स्ट्राइप्स प्रिंट बने हुए हैं कुर्ती पे, उस पर डिफरेंट प्रिंट्स है, इस पर डिफरेंट है, कुछ इस तरीके से स्ट्राइप प्रिंट्स है। एंड फ्रंट पे आपको ऐसे डोरी मिल रही है, कुछ इस तरीके से लटकन कपड़े की ही बनी हुई है, बैक पे भी ऐसे सेम प्रिंट्स आपको मिल रही है, साइज मेरा लार्ज है। साड़ी है प्लाजो जो सेम कलर की है, दोनों तरफ इलास्टिक है और थाई के पास काफी स्पेस है, और यहाँ पे आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल रही है। सो गोटा पट्टी डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे नहीं लगी, बट कुर्ती की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे कुर्ती सेट कलर एंड डिज़ाइन के वजह से बहुत पसंद आई, बट ये जो होती है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग कुर्ती सेट नहीं, अगर आप सोचोगे कि आप धो पहनो तो वैसी कुर्ती सेट नहीं है ये, कभी कभी फेस्टिव में या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में पहनने वाली कुर्ती सेट है, जिसे हल्के हाथों से धो और स्पेशल ओकेजन में पहनो। आप चाहो तो इस कुर्ती को सिंपल रख सकते हो और इसके साथ ऐसी चोकर डाल सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे डाली है,
इसकी लुक बहुत बढ़िया बन जा रही है. किसी भी सिंपल पार्टी के लिए इस तरीके से आप चोकर डालो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. बट आपको कोई वेडिंग पार्टी अटेंड करना है तो उसके साथ ये दुपट्टा वेयर कर सकते हो. ये दुपट्टा अमेजोन से है, 500 या 600 रुपीज की मैंने ली है. चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी है. कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखो. वेडिंग पार्टी में वेयर करना चाहते हो तो दुपट्टा के साथ वेयर करो. ये थोड़े से एक्सेसरीज चेंज करके, दुपट्टा चेंज करके आपको दोनों ओकेजन में आराम से वेयर कर सकते हो. तो बताओ कि आपको कौन सी वाली स्टाइल अच्छी लगी. ठीक है, पार्टीज के लिए परफेक्ट है. सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी क्योंकि डेली वेयर तो ये कुर्ती है नहीं, तो आप कभी कभी पहनोगे और कभी कभी पहनोगे तो काफी अच्छी चलने वाली है ये. That's it for today's video, guys. I hope आज का हॉल आपको पसंद आया हो. पसंद अगर आ ही गया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक कर देना एंड कॉमेंट बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी. बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.